उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से हमें काफी अपेक्षाएं हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम नहीं। उत्तराखंड में किसान बेहाल और परेशान है, लेकिन उनके लिए कोई घोषणाएं तक नहीं हो रही। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य खटीमा पहुंचे। यशपाल आर्य ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि अब तक तो सरकार की तरफ से केवल घोषणाएं हुई हैं और असल में काम कुछ भी नहीं हुआ। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी अपेक्षा है। सीमांत क्षेत्र में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रोजेक्ट का सवाल बहुत बड़ा है, इस पर काम होना चाहिए। प्रदेश में किसान बेहाल और परेशान है, अन्नदाताओं के लिए कोई घोषणा नहीं होती। पहले भी हमने देखा है घोषणा बहुत हुई, लेकिन उसमें कोई अमल नहीं हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई धनराशि अवमुक्त हुई। लेकिन फिर भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री टनकपुर से लेकर टनकपुर जो हमारा बागेश्वर रेल लाइन का बहुत मामूल प्रश्न, वहाँ उतराई को वहाँ से खुलती है, ग्रीन बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, आपदा से प्रभावित प्रदेश है, इसके लिए माननीय आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।